तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अपने घर में खैर वाफियत के साथ होंगे। आज आप लोगों के साथ भुना चिकन रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। भुनी हुई चिकन बनाएंगे। भुनी हुई चिकन बनाने के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे, उसमें सबसे पहले मैंने 1 किलो चिकन का गोश्त लिया हुआ है। नॉर्मल पीसेस में ले लीजिएगा, जैसे जो नॉर्मल होते हैं पीसेस, ठीक है, मिक्स है ये। 3 मीडियम साइज़ की प्याज लेकर, और इसको मैंने ब्लेंड कर लिया है। 4 मीडियम साइज़ के टमाटर लेकर, और इसको मैंने बिल्कुल फाइन कट कर लिया है विद स्किन। 100 ml योगर्ट, दही, भुना हुआ कुटा हुआ सूखा धनिया 1 tablespoon, 1/2 teaspoon टर्मरिक हल्दी, 1 tablespoon पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर रेड चिल्ली पाउडर, नमक हसबे ज़रूरत, भुना हुआ कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा 1 tablespoon, जिंजर गार्लिक लहसुन अदरक का पेस्ट 1 tablespoon, 2 बड़ी इलायची, 1/2 teaspoon पिसी हुई काली मिर्च, 2 दालचीनी के इस तरह के इस साइज़ के टुकड़े, और ये कुछ इसमें जो ग्रीन चिल्ली 4 से 5 मैंने लिए हैं, थोड़ी सी अदरक लेके इसको इस तरह स्लाइस में कट कर लिया, और ये है हरा धनिया, इसको फाइन चॉप कर लेंगे। ये गार्निशिंग में भी यूज़ होगा, और इसके हम 1 से 2 हरी मिर्चों के स्लाइस भी कट करेंगे, ऊपर से गार्निशिंग में भी डालेंगे, और वैसे भी इसको ऊपर से साबुत भी डालेंगे। ये तमाम चीज़ें हमें चाहिए होंगी आज की अपनी इस डिश के लिए जो कि हम बना रहे हैं। इसको आप चिकन, भुना चिकन भी कह सकते हैं, भुना चिकन मसाला कुछ भी कह लें, भुनी हुई चिकन होगी, लेकिन बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही मज़ेदार बनेगी। इसको आप किसी भी पुलाव के साथ, इस तरह का जो लाइट मतलब राइस की डिश होती है उसके साथ सर्व कर सकते हैं, चपाती के साथ सर्व कर सकते हैं, और इसमें 1/2 cup ऑयल जाएगा। अब हम इसकी नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। चल रही है ऑयल, 1/2 cup ऑयल रखने के बाद इसके अंदर मैंने 1/2 cup ऑयल डाल दिया, और 1/2 cup ऑयल के गर्म होने का वेट करेंगे। जैसे आप थोड़ा सा गर्म होगा तो आपने ये जो प्याज है ये शामिल कर देनी है इसमें, और इस प्याज के साथ ही आपने इसमें दालचीनी, सिनेमन स्टिक, और ये बड़ी इलायची शामिल करके अब इसको बहुत अच्छी तरह से फ्राई करेंगे प्याज के, आपकी गोल्डन कलर में आ जाए, इसको इतना फ्राई करना है आपने। ये देखें प्याज हमारी जैसे बहुत अच्छी तरह भून के जब गोल्डन कलर में आ जाए, प्याज का कच्चापन बहुत अच्छी तरह दूर करना है। जैसे ही कच्चापन दूर हो जाए और ये प्याज गोल्डन कलर में आ जाएगी, तो आपने इसमें अपनी ये चिकन शामिल कर देनी है। अब आपने चिकन को इतना फ्राई करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए और ये वाइट कलर में हो जाए चिकन। अच्छा, ये देख सकते हैं तमाम चिकन का पानी, मैं इसको तेज़ ही चूल्हे पे पका रही हूँ, अभी तक मैंने इसका चूल्हा स्लो नहीं किया, और इसको फ्राई करते हुए 1 से 2 मिनट हो गए। ये देख सकते हैं ब्लड भी निकल के इसका ड्राई हो चुका है। अब इसके अंदर आपने ये जो आपका लहसुन अदरक का पेस्ट है ये शामिल करके इसको डाल के अब आपने फ्राई करना है 1-2 मिनट। लहसुन अदरक के साथ इसको फ्राई होते हुए तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं। अब इसके अंदर भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, भुना हुआ कुटा हुआ धनिया शामिल करके मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लें। इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कीजिएगा, पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी, और आप इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें।
है, इसको बहुत अच्छी तरह मिक्स करना है। और ये भुनाई हर चीज़ डालने के बाद कम से कम 2 से 3 मिनट 4 मिनट आपने इसको भूनते रहना है। जितना ज़्यादा भूनेंगे उतना अच्छा इसका फ्लेवर निकल के आएगा और आपको चिकन के लिए एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना पड़ेगा गलाने के लिए। नमक वगैरह आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। नमक भी मिर्च भी दोनों चीज़ें आप अपने हिसाब से रखिएगा, जितना जितना आप लोगों को। आपके सामने भूनती रही हूँ काफ़ी टाइम मसाले डालने के बाद। अब इसमें आप भी टमाटर शामिल कर दें। टमाटर शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करें इस तरह से, और उसका चूल्हा मीडियम से थोड़ा सा कम करके कवर कर दें ताकि इसके जो टमाटर हैं वो अच्छी तरह से गल जाएं और इसीलिए हमारी थोड़ी सी चिकन भी सॉफ्ट हो जाए। मैं इसको कवर करके 5 मिनट के लिए छोड़ रही हूँ टमाटर सॉफ्ट करने के लिए। ये देखें, इसको मैंने तेज चूल्हे पे 15 मिनट रख के पकाया है, तो इस चिकन बहुत अच्छी तरह गल गई है और टमाटर भी बिल्कुल पेस्ट की शक्ल में आ गए, क्योंकि मैंने बारीक चॉप किए हुए थे जिसकी वजह से टमाटर भी गल गए। अब इसके अंदर आपने ये जो 100 ml दही है ये शामिल कर देना है। इसी के साथ ये ब्लैक पेपर शामिल कर देंगे और अब दही का पानी खुश्क होने तक इसको इतना भून लेंगे कि दही का पानी भी खुश्क हो जाए और ऑयल निकल के सरफेस पे आ जाए, तो हमारी भुनी हुई चिकन तैयार हो जाए। ये देखें, हमारा भुना हुआ चिकन ज़बरदस्त सा रेडी हो गया, ऑयल निकल के ऊपर आ गया। इस वक्त अब आप इसके अंदर ये जो हमारी अदरक है जूलियन कट ये शामिल कर दें। हरा धनिया शामिल करके इसको मिक्स कर दें। हरा धनिया शामिल करने के बाद अब हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे और इसको 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि इसका ऑयल सेपरेट हो जाए।